खबर कटनी जिले से है, जहां जुगला बाईपास खनी चेक पोस्ट पर वाहन चालकों ने सड़क जाम कर दिया है। दरअसल उन्होंने खनी चेक पोस्ट पर खड़े ट्रक, टिपर और लोडर वाहनों से अवैध वसूली का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि हर दिन चालकों से पैसे मांगे इससे तंग दिया है। वहीं पुलिस पर पहुंचकर रुकवाया। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि कटनी में वाहन चालकों ने ये सड़क जाम किया है और समझाइश के बाद ये चक्का जाम हटवाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि चेक पोस्ट पर अवैध वसूली करने का आरोप भी लगातार वहां के लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है और वाहन चालकों ने ये बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद सड़क जाम की गई है। कटनी से ही आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और लोगों को समझाइश देकर इस शक्के जाम को हटवाया गया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाहिद, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है, वाहन चालकों की ओर से लगातार ये सड़क जाम किया जा रहा है, क्या लगता है इस मामले को लेकर क्या कुछ अहम कदम उठाया जा सकता है? बिल्कुल, बताना चाहेंगे जिस तरह का ये मामला है। घटना सुबह की है, कटनी जिले के जोला बाईपास है, जहाँ वन विभाग का जांच नाका है, जिसको बोलते हैं विभाग जाती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे बंद किए जा चुके हैं, उसके बावजूद ये नाका चल रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इस नाके पर जो आरोप लगाए हमारे चालकों के द्वारा जो बात कही जा रही थी कि एक अवैध वसूली फीस के नाम पे पैसे मांगे जाते, रुपए मांगे जाते, 10 रुपए लेके 100 रुपए तक की मांग की जाती है। और बहुत से ऐसे चालकों का कहना भी था जो कैमरे सामने आने से बच रहे थे, पर उनका सीधा सीधा आरोप था कि यहाँ वसूली की जाती है, अलग गुंडे रखे जाते हैं, प्राइवेट लोग वहाँ पे तैनात किए जाते हैं जो पैसों की मांग करते हैं, और जब तक पैसे न दिए जाते उनकी गाड़ी चाबी निकाल ली जाती है। तमाम तरह की चीजें जो है अपने आप में सवाल निशान खड़ा करते हैं कि जो विभाग है, वन विभाग का है, नाका ही है, जो माइनिंग संबंधित जो चीज होती है उनकी जांच की जाती है, पेपर डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, पर वहाँ पे अवैध वसूली की जिस तरह का कारोबार चल रहा है और पैसे की मांग की जाती है, ड्राइवरों को प्रताड़ित किया जाता है। क्योंकि देखा जाए तो ट्रक ड्राइवर जो होते हैं, जिससे तमाम तरह के जो परिवहन होते हैं, बिलासपुर मार्ग है ये, बड़ा हाईवे है ये, वहां से निकलने वाले 24 घंटे हजारों गाड़ियां गुजरती है। इस तरह जिस तरह से अवैध वसूली की जा रही है, 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की मांग की जा रही, यानी कि यहाँ पे हजारों रुपए की अवैध कमाई प्रतिदिन हो रही है। और जो बात सामने निकल कर आई है कि निजी लोगों द्वारा तैनाती करके पैसे वसूली कराई जाती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा मामला है। किसपे विभाग क्या करता है, क्या जांच करेगा, इस मामले में क्या निकल आता है, ये तब हम अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी किसी अधिकारी से बात करना चाह गया पर किसी अधिकारी से बात नहीं हो पाई, पर चूंकि अपने आप में कटनी जिले के लिए जांच नाके पे जो नाका बन नाके के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अवैध रूप से कमाई की उगाही का एक केंद्र बना हुआ है। वही जाहिद, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है जहां अवैध वसूली देखी गई है, कटनी जिले से इससे पहले भी कई बार इस तरीके की अवैध वसूली की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं, क्या लगता है लोगों को किस तरीके से समझाइश दी गई है और जो वहां के लोग हैं, जिस तरीके से ये जाम किया गया है, क्या मांगे उन्होंने रखी है प्रशासन से? जैसा कि वहां पे गाड़ी वाहन चालकों ने गाड़ियां खड़ी कर दी, आग तिरछे लगा दिया, जाम काफी लंबा जाम लगा था, काफी देर ज्ञानी की स्थिति बनी थी, हंगामा बरपाया जा रहा था ड्राइवरों के द्वारा। और चूंकि वन विभाग का जो नाका था, अब खुशी करती थे उनके जो निजी लड़के जो अवैध वसूली करते थे, हंगामा देखते वहां से फुर हो गए, यानी वहां से भाग खड़े हुए। इस तरह माहौल को गर्माता हुआ देख के स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और पहुंचते साथ उसने अपना मोर्चा संभाला। उसके बाद समझाइश दी गई हंगामा करने वाले ड्राइवरों और चालकों को, समझाइश देने के बाद तमाम चीजों को वहां पर समाधान किया गया और उसके बाद जाम को खुलवाया गया। हालांकि देखा जाए तो ये इस तरह की जो अवैध वसूली है, ये जांच नाकों पे जिस तरह की जाती है, ये यही भर नहीं है, हर जगह होती है, पर कहीं कहीं हंगामा हो जाता है, कहीं शांत मुद्रा में लेन देन करके चलता रहता है। इस तरह का ये प्रक्रिया नित्य दिन की बात है, पर देखना होगा विभाग क्या अधिकृत लोगों को वहां पर खड़ा करती है, तैनाती करवाती है, या जिस तरह की बातें निकल कर आई है निजी लोगों को, प्राइवेट गुंडों को खड़ा करके अवैध वसूली कराना अपने आप में एक बड़ा आरोप है और एक अपराध की श्रेणी में भी आता है। इसका देखना होगा अधिकारी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ साझा करने। आपको बता रहे हैं कि कटनी में जिस तरीके से वाहन चालकों ने आज ये सड़क जाम किया है, साफ ही तौर पर उन्होंने अवैध वसूली का ये बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा और समझाइश देकर ये सड़क जाम को हटाया गया है।